पढ़ेंगे वो होगा प्रोप्स। क्या होगा? प्रोप्स। और एक काम करते हैं, बल्कि प्रोप्स से पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं फॉर्म हैंडलिंग। प्रोप्स तो 5 मिनट का काम है भाई, पहले फॉर्म हैंडलिंग पढ़ेंगे उसके बाद प्रोप्स पढ़ लेंगे, मसला नहीं है। वो तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। फॉर्म हैंडलिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर्म हैंडलिंग मतलब ये हर वेबसाइट में होगी, रिएक्ट के अंदर। फॉर्म हैंडलिंग में ये होगा, फॉर्म से डेटा गेट करना, जो लॉगिन करते हुए यूज़र लॉगिन कर रहा होता है, साइनअप कर रहा होता है, तो जाहिर सी बात है ये तो हर वेबसाइट में आपने देखा होगा, और तो मतलब हर वेबसाइट में यूज़ होगा, आपको आना चाहिए ये। इधर आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिएक्ट का सेटअप कर लेते हैं। रिएक्ट कहाँ पर है? MWS, ये रहा रिएक्ट जैसे MWS 325। कॉपी करा, पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, वही वाला प्रोजेक्ट है। इसके अंदर बस सेटअप, हम वो फाइलें जो हमने वाली बनाई हुई थी उनको डिलीट कर देंगे, API वाली। लास्ट टाइम ऐसे मैं दिखा देता हूँ कि हमने बनाया क्या था। हमने खुद की एक लोकल API भी बनाई थी, याद होगा, एयर ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। ये बनाया था, एक नेव बार था, ये कुछ प्रोडक्ट आ रहे थे बस API से। बस ये हमने इस तरह से सिंपल एक काम किया था कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, बस सिंपल यही काम किया है। अच्छा अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको बंद करते हैं। यह आ गया कॉपी होकर, ठीक है, ओपन विथ कोड करते हैं इसको, और इसको मैं चला कर बिल्कुल खाली करके चला के दिखाऊंगा, सही है, ताकि जो है कन्फ्यूजन नहीं हो इसमें। इसके अंदर से वो अभी तक आए नहीं है, आ गया, SRC कहाँ चल गया। इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्लास 7। ये वही प्रोजेक्ट है जो अभी API वाला दिखाया ना, उसी को कॉपी करा है मैंने। इसको चला के दिखा भी देता हूँ। CMD करा, NPM रन डेव करा, इधर आकर लोकल होस्ट 5173 के ऊपर इसको ऑन कर लिया, सही है, ये वही प्रोजेक्ट है। बस इसके अंदर से हम एक काम करेंगे, SRC के अंदर से आएंगे, कंपोनेंट्स जो बने हुए ना, ये हीरो सेक्शन, नेव बार और प्रोडक्ट वाला, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। app.jsx के अंदर से आकर इसको भी डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर एक H1 डाल लेते हैं ताकि बाहर हमें क्लियरली नज़र आ रहा हो कि हो क्या रहा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये सब हटा देते हैं, सही है, सिंपल एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। इधर आते हैं, मैंने लिया एक फॉर्म, इसके अंदर से आके पहले तो एक फॉर्म को रेडी करना पड़ेगा मुझे। इधर मैं लेता हूँ सबसे पहले एक इनपुट, जिसके अंदर टाइप होगी टेक्स्ट, और इसको ऐसा समझ लो, ठीक है, चलो इसको सिंपल ऐसे रखते हैं, एक H1 यूज़र डिटेल, सही है, इस फॉर्म का नाम है, मतलब जैसे कि हम कोई यूज़र से डिटेल लेना चाह रहे हैं। प्लेस होल्डर रख लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं एंटर योर नेम, ठीक है। सेकंड में ईमेल ले लेंगे, यहाँ पर यूज़र से यूज़र का पासवर्ड ले लेंगे, और एक और इनपुट लेंगे जिसके अंदर टाइप क्या आ जाएगी, सबमिट, सही है, हैं, हाँ बटन होगा जी, हाँ बटन ले सकते, तो इसकी टाइप सबमिट कर देना, बात तो वही है, सही है। तो अभी इधर आते हैं, इसके अंदर जाके पहले मैं दिखा देता हूँ कैसा आ रहा है, सिंपल ऐसा आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रेडी करते हैं। मैंने क्लास लगा दी,
जिसकी हाइट मैंने रखी स्क्रीन, विड्थ क्या रखी फुल, फ्लेक्स लगाकर आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। फॉर्म के अंदर आके क्लास फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देंगे, ठीक है। और आइटम सेंटर और जस्टिफाई फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया ना, अभी इसको एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। मैंने पेडिंग लगाई इसके अंदर चारों तरफ से 10, ठीक है। एक इसके अंदर बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, एक मिनट, सही है, बीजी वाइट करते हैं और इसका बीजी ब्लैक कर देते हैं पूरी स्क्रीन का, ठीक है, क्लियर है। बस हमें जी कौन सा फॉर्म वाले को, नहीं अभी तक ज़रूरत तो नहीं है, मैंने दी नहीं है, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है इसलिए दे नहीं रहा। इधर आकर मैं लगा दूंगा इन सब के अंदर। सबसे पहले तो एक काम करूँगा, पहले तो सारे इनपुट के ऊपर एक एक बॉर्डर लगा लेता हूँ ताकि वो नज़र आना स्टार्ट हो जाए। इस पे भी क्लास बॉर्डर, सही है, ये कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर आकर हम लगा लेते हैं गैप, क्लियर है। ये मेरे पास जो H1 आ रहा है टेक्स्ट, इसको कर देंगे सेंटर, सही है। बस ये जो मेरे पास इनपुट आ रहे हैं इनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला इन सबके अंदर पेडिंग होगी चारों तरफ से 2, सही है। एंटर योर नेम इसके अंदर वो एंटर करेगा और आकर ये जो पूरा ये फॉर्म आ रहा है ना, इसको राउंडेड MD कर देते हैं। इसके अंदर भी राउंडेड SM कर देंगे ताकि हल्का सा राउंड हो जाए, सही है। और इस बटन के अंदर एक बैकग्राउंड कलर कर लेंगे ब्लैक, मैंने बोला BG ब्लैक, टेक्स्ट इसका क्या होगा वाइट, और टेक्स्ट इसको करते हैं LG, सही है, सबमिट, ठीक है। बस इधर आके जैसे हम सबमिट करेंगे फॉर्म हमारा डिटेल निकल कर आ जानी चाहिए और H1 के अंदर थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड कर लेते हैं, सही है भाई। ये फॉर्म की स्टाइलिंग भी दिखा दी किस तरह से होती है फॉर्म की स्टाइलिंग, मतलब इजी है कुछ, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, सही है। टेक्स्ट इसको कर लेते हैं 3XL, सही है। बस इसके अंदर जो भी यूज़र वैल्यू दे बस वो डिटेल निकल कर आ जानी चाहिए, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा, स्टेट लेनी पड़ेगी, सही है, एक स्टेट लेनी पड़ेगी मुझे। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक लेट, इसमें मैं यूज़र से क्या लूँगा नेम, इधर आकर सेट नेम, ठीक है। इधर आके मैंने बोला यूज़ स्टेट, हो गया ना ऊपर इम्पोर्ट। यहाँ पर जो है एरे डिस्ट्रक्चरिंग करी है मैंने, क्योंकि मुझे पता है ये 2 आंसर देगा अपने, जब मैं इसको कंसोल कराऊंगा यूज स्टेट को तो 2 देता आउटपुट, सही है। तो पहले के अंदर हमारे पास नेम होता है, दूसरे में अपडेटेड फंक्शन होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बोला ये खाली होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या बोला ये खाली होगा, सही है। इसी तरह से 4 स्टेट बनानी पड़ेगी, सही है। ये किसके लिए होगी, ईमेल के लिए, ये पासवर्ड, अच्छा मैंने इधर कितने लिए हैं 3 ही लिए हैं ना, तो चौथी हाँ तो उसको हटा देंगे, पासवर्ड, सही है। नहीं मसला करेगा, मसला ओ खाली आपने छोड़ना नहीं है वैसे, प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, लेकिन ये कि रिएक्ट की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि इसको खाली नहीं छोड़ो। ईमेल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ईमेल पासवर्ड, सही है, नेम हो गया, ठीक है। ये हमने क्या करा, कुछ 3 स्टेट बना दिए हैं। इसमें मसला नज़र आ रहा है कुछ, मसला वो नहीं, एरर वेरर वाला मसला नहीं है। यहाँ पे कोड में कुछ ऐसा कुछ लग रहा है जो चीज़ रिपीट हो रही है, यहाँ पर देख रहे हो क्या रिपीट हो रहा है, ये चीज़ रिपीट हो रही है,
आप ये तो खैर रिपीट हो ही रहे हो, तो खैर इसका एक अलग ही मसले का हल नहीं है, इसका तो दूसरा तरीके से हल निकल सकता है निकालना चाहे तो, लेकिन ये चीज़ रिपीट हो रही है। देखो अगर मान लो कल को अगर जैसे कि आर्मी का फॉर्म है उसमें 50 के करीब फील्ड होती है, जाहिर सी बात है बहुत सारी डिटेल लेंगे, वालिद का नाम दो, अम्मी का नाम दो, अब्बू का नाम दो, या उम्रे पर जा रहे हो पूरे ख़ानदान की डिटेल उठा लेंगे, 100-150 फील्ड होंगी उसमें कम से कम भरने के लिए, हर चीज़ पूछ लेगा वो। तो क्या क्या 100 इधर क्या ऐसे ऐसे स्टेट बनाते रहेंगे क्या लाइन से? गलत तरीका है ना। तो इस मसले को हल करने के लिए थोड़ा सा हमें, मैं अभी सिखा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ ये मसला है, जब हम रियल में काम करेंगे ना तो इस तरह से नहीं करेंगे, काम तो ये करेगा, करना चाहे कर सकते हैं कोई मसला नहीं है, बस वो स्टेट ज़्यादा होंगी। अब जितने ज़्यादा स्टेट होंगी उतने ज़्यादा उठाना पड़ेंगे, फिर उतनी लॉजिक लगानी पड़ेगी, तो ये मसला करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ होती है ऑब्जेक्ट लिटरल, ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है? तो ये यहाँ पर वो मसला हल कर देगी ये। फिर हम आगे जाके पता क्या करेंगे, आगे चल के मैं सिखा दूंगा कभी ज़रूरत पड़ी, हम ऑब्जेक्ट लेकर यहाँ पर इस तरह से करेंगे नेम ईमेल पासवर्ड। ये तरीका सही है, वो तरीका सही था कि एक ही स्टेट बनाई सारा काम कर दिया। तो खैर अभी ये तरीका लेकिन थोड़ा सा हार्ड है अभी बेसिक समझने के हिसाब से, क्योंकि पहले तो हमें इस वाले तरीके को समझना पड़ेगा जो हम पढ़ रहे हैं अभी, सही है? तो सबसे पहले मुझे यूज़र से वैल्यू गेट करनी है। यहाँ पर हमारे पास जब जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक चीज़ होती थी, गेट एलिमेंट में आईडी करा टारगेट करके डॉट वैल्यू करके निकाल लिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके निकाल लिया, सही है? लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, हाँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके इनपुट से वैल्यू निकाला करते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास होता है ऑन चेंज है ये इवेंट ही। वहाँ पर जो इवेंट होता था ऑन क्लिक होता था, ऑन सबमिट होता था, यहाँ पर ऑन सबमिट तो होगा फॉर्म को जो सबमिट करने का काम करेगा, लेकिन जो वैल्यू निकालने का काम करेगा वहाँ पे तो मैं उसको टारगेट क्या करता था आईडी करके, फिर आईडी करके टारगेट करा ई डॉट टारगेट डॉट डिफॉल्ट करके वैल्यू निकाला करता था, लेकिन यहाँ पर तो कोई डोम तो है नहीं जो इसको टारगेट करें। अब जाहिर सी बात है अब डोम ही नहीं है तो टारगेट इसको कैसे करेंगे, मसला यह आएगा। तो हमें यहाँ पर जो है एक इवेंट दिया जाता है ऑन चेंज का, कौन सा? ऑन चेंज, जैसे ऑन क्लिक है, ऑन सबमिट है, इसी तरह से ऑन लोड होता है, ऑन माउस होता है, ऑन लीव होता है, ऑन कीबोर्ड होता है, ऑन की अप होता है, मल्टीपल इवेंट्स हैं, इसी तरह से एक ऑन चेंज भी एक इवेंट है। ऑन चेंज आ रहा है, ये अपने अंदर लेगा, दो तरीके हैं, दोनों तरीके मार्केट में यूज़ हो रहे होंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये अपने अंदर लेगा एक फंक्शन, ये अपने अंदर लेगा एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। याद होगा हम ई करा करते थे ई डो ताके, हाँ ये वही चीज़ है, ये वही ई है भाई, इसमें से वही करेंगे, ई डॉट करेंगे, डॉट करेंगे, टारगेट करेंगे, वही डॉट करके वैल्यू करेंगे, देखो वही सजेशन दे रहा है। हाँ, वही है। सुनो ये जो ई है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है, ये फॉर्म को सबमिट थोड़ी नहीं कर रहा है, निकालेंगे अभी वो होगा, वो तो एक अलग ही काम है, वो अभी करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। ऑन चेंज का मतलब है ये इवेंट कब कॉल होगा, जैसी इसके इनपुट के अंदर मैं आई लिखूंगा वो कॉल हो जाएगा ऑन चेंज, क्योंकि चेंज होगा ना, जाहिर सी बात है चेंज होगा ये इवेंट कॉल हो जाएगा, मैं आई लिखूंगा बाहर जाकर वो फिर चल जाएगा, बी लिखा फिर चल जाएगा, बार बार चलता रहेगा, इस तरह से काम करेगा। लेकिन इसमें अभी वैल्यू मुझे ये भिजा, वैल्यू तो निकाल ली लेकिन मुझे इस स्टेट के अंदर भिजानी है, तो मैं क्या बोलूँगा सेट नेम, हाँ जो इसके अंदर इनपुट में लिखेंगे वो निकलेगी, हाँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। मैंने बोला इस ई के अंदर सेट नेम में जाओ, जो कि हमें पता है एक अपडेटेड फंक्शन है, पता है ना ये बात, बस ये उठाओ कट करा इसमें पेस्ट कर दिया। अब आप जो है ना इसको शॉर्टकट तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, लेमडा फंक्शन हमने पढ़ा जावास्क्रिप्ट के अंदर, हाँ आप ये ब्रैकेट हटाओ, एक मिनट आप ये हटाओ, इधर आके इसको इससे भी रख दो, बात वही है, बात वही है। हाँ क्या,
कभी लोग यहाँ पे डबल ब्रैकेट भी लगा रहते हैं, कभी कभी नहीं लगाते, वो क्या लेमडा करते फंक्शन है ना ये, नहीं लगाओ। हैं? नहीं, ये नहीं सर, ये जो जहाँ पे अपडेट वेरिएबल में जो हाँ वैल्यू डालते हैं ना, कभी कभी डबल ब्रैकेट लगा के भी लोग डाल रहे होते हैं, कभी वो डिलीट भी स्टार्ट करते में हैं। मैंने पढ़ाया था ये बात भाई। मसला ये है, अगर आप ब्रैकेट लगा के काम करोगे तो इसका मतलब है आप मल्टीपल फंक्शन कॉल करोगे। नहीं, इन्वर्टेड कॉमे लगा के ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं डाल सकते, इसका लोग डालते हैं इस तरह करके, डाला डालते हैं स्किप कर मैं देते एक हैं। मिनट, आप बोल रहे हो कि ये ब्रैकेट लगे हुए देखे हैं आपने अक्सर, आपने लोगों को ये वाले नहीं ऐसे। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह हाँ रहा हूँ कि ना यहाँ पे जो है ना, ये इस तरह भी लोग, इस तरह भी करके भी डाल रहे होते हैं लोग वैल्यू, इधर भी लिख रहे होते हैं, तो सर क्या फर्क आता है इससे और साले वाले में? ऐसे कोई भी नहीं करेगा। ये तो स्ट्रिंग बन जाता है ना। हाँ स्ट्रिंग बन जाएगा, कोई भी नहीं करेगा ऐसा, अच्छा कोई करेगा प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। सही है, तो ये तो मतलब कोई चीज़ है ही नहीं है। सही है, ये लेमडा फंक्शन है, आप इसको यूज़ करो, मसला नहीं है। अगर आप ब्रैकेट लगा के यूज़ करोगे, अगर आप ये भी अगर अक्सर लगा हुआ कहीं हटा हुआ देख लो तो कोई मसला नहीं है, चलेगा ये अपनी जगह। ये लेमडा फंक्शन है, ये हमने पढ़ाई है। अगर आपको ब्रैकेट लगे हुए नज़र आते हैं, कर्ली ब्रैकेट, वो इसलिए लगे हुए होंगे क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल फंक्शन कॉल हो रहे होंगे। यहाँ पर तो सिंपल अभी एक ही है, ज़रूरत ही नहीं है मुझे और दूसरा मतलब कोई फंक्शन कॉल करने की। हाँ जब हम बैकएंड पढ़ेंगे ना तो इस वक्त हम दो दो फंक्शन के चार चार भी कॉल कर रहे होंगे, फिर हम जो है कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे हम भी, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्यों मैं कोड को लंबा करूं? अगर लगाना चाह रहे हो तो भी कोई मसला नहीं है, आप लगा लो। सही है, बात तो वही है। सही है, तो ये मैंने क्या करा, जैसे मैं इस इनपुट के अंदर, इनपुट टाइप टेस्ट इंटर योर नेम के अंदर आकर मैं अपना जो भी कुछ टाइप करूंगा, ये इवेंट कॉल होगा, कॉल होकर अब उसके अंदर से ई डॉट टारगेट करके वैल्यू निकाल लेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, वहाँ पर टारगेट के बाद आईडी का नाम हुआ करता था, यहाँ पर तो आईडी देने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही हम इसी में काम कर रहे हैं। सही है, जो भी वैल्यू निकलेगी वो ऑटोमेटिकली आकर इसके अंदर भिजाता रहेगा, नेम के अंदर वो वैल्यू भेजाता रहेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, मैं इसको कंसोल करके दिखा भी देता हूँ। लोग करा, मैंने बोला दिखा दो कि नेम में आ क्या रहा है। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इधर आया, इधर आता हूँ मैं कंसोल के अंदर, और कंसोल के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो नेम है ना देखो, अब ये जैसे मैं कुछ चेंज करूँगा, ऑन चेंज क्या होगा, कॉल हो जाएगा। सही है, और उसका काम ये है कि उसमें से ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू निकाल के नेम के अंदर भिजाना। नेम को मैंने कंसोल करा लिया, मैंने आई लिखा, चल गया, मैंने लिखा यू, फिर कॉल हो गया, मैं इसमें कुछ भी लिख दूंगा वो कॉल होता जाएगा, वो देख रहे हो बार बार कॉल होता जा रहा है, वो जैसे कुछ लिख रहा हूँ। हाँ क्या, तो उसमें जो कुछ भी लिख रहा हूँ, जो कुछ भी लिख रहा हूँ तो पूरा का पूरा डेटा ही लेगा ना इनपुट में, जो कुछ भी लिखा हुआ है हमने क्या बोला हुआ है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अब उसको जो भी वैल्यू मिल रही है, जब वो एंड में वो आई लिख रहा है, जे लिख रहा है, जो कुछ भी लिख रहा है, तो पूरी वैल्यू लेगा ना वो, तो वो तो पूरी ही शो कराएगा। मैं इसको हटाऊंगा, ये हटेगा भी, मैं देखो यहाँ से इसको हटा रहा हूँ ना, ये हटता हुआ भी जाएगा ये, क्योंकि कॉल होता है ना वो, ऑन चेंज है फिर कॉल हो जाएगा, जब उसको वैल्यू कम मिलती है तो हटाया भी रहा होगा। आप स्पेस दे दो, वो स्पेस पे भी काम करेगा, सब काम करेगा। बात समझ आ गई, तो इसका मतलब है हमें ये चीज़ पता चल गई कि जो भी कुछ हम इसमें टाइप कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है। सही है, लेकिन हम इस तरह से तो नहीं चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं भाई एंटर करें और वो तब वैल्यू दे। सही है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बस जैसे ही मैं कुछ लिख रहा हूँ वो चलता है, वो एंटर करने का वेट ही नहीं कर रहा वो। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपल है, जो फॉर्म है आप लगाओ फ़ोन के ऊपर, ऑन सबमिट, ये इवेंट तो पड़ा है ना, सबमिट, ऑन सबमिट लगा लो, ऑन सबमिट। सही है, अब आप क्या करो, फंक्शन का नाम दे दो, क्योंकि ये तो एक फंक्शन हुआ करता था ना ऑन सबमिट, मैंने बोला फंक्शन सबमिट हैंडलर, हैंडलर मैंने बताया था कि अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको यूज़ करो। कॉपी करा, अब मैं यहाँ पर आके वो फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला फंक्शन, ये मेरा फंक्शन का नाम है, यहाँ पे वही मुझे ई मिल रहा होगा जो पहले मिलता था, बस कॉल इधर हो रहा है वो आकर, जैसे मैं एंटर करूँगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और मैंने बोला जो ई आ रहा है, ई डॉट करके उसमें से क्या निकाल लो,
prevent default. ये सजेशन नहीं देगा, हाथ से लिखना पड़ेगा और स्पेलिंग सही लिखोगे तो ये काम करेगा. सही है. अगर मैं नहीं लगाता, अगर मैं नहीं लगाता तो अब देखना क्या होगा. नेम को लाके मैंने बोला कि मुझे आप जब जब दिखाना नेम कि जब मैं सबमिट कर दूं, क्योंकि अब तो मैंने फंक्शन में डाल दिया और फंक्शन तो जब ही कॉल होगा जब मैं एंटर करूँगा, अदरवाइज वो कॉल ही नहीं होगा, ना वो कॉल होगा ना वो कंसोल होगा. बात समझ आ रही है? तो चलो अभी चेक करते हैं, इसको चलाते हैं, इस फॉर्म को चलाते हैं. ठीक है, इधर आया, पेज को एक बार रिलोड किया, अभी कुछ भी नहीं है. नेम दिया अली, सही है, प्रिंट हुआ नहीं हुआ, वही मसला हो रहा जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आ रहा था मसला. तो इस मसले को हल करने के लिए क्या लगाया, प्रिवेंट डिफॉल्ट. आया अली दिया, सही है, सिंपल. इस तरह से भी वैल्यू निकालेंगे. अब अगर आपने, अगर आपने यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ निकालनी है तो सेम वही तरीका होगा, कॉपी करा जाके इधर चिपका दो, बस सेट नेम की जगह पर सेट ईमेल कर दो, ईमेल के अंदर भिजवा दो आप. इधर क्या हो रहा है, इधर हम पासवर्ड ले रहे हैं, इधर आके क्या भिजवा दो पासवर्ड में, काम वही है. बस मैंने ये बोला कि कंसोल करा के दिखा दो अलग अलग, ईमेल को भी पासवर्ड को भी. सही है, इधर आते हैं, कंसोल करा, इधर अभी वैल्यू देते हैं. नाम दिया अली, ईमेल दिया अली एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, पासवर्ड दिया अली 123. आ गया डेटा. इस तरह से हम जो है फॉर्म से डेटा उठाएंगे. अब यूट्यूब पे जो है ना अलग अलग तरीके से काम हो रहा होता है. मैं यूट्यूब का अक्सर इसलिए बोल रहा होता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है आप वहाँ से, यहाँ से आके कुछ नई चीज़ देखोगे तो वो यूज़ कर रहे होंगे नई नई चीज़ें, तो समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है. ये तरीका भी वैलिड है और अक्सर लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे नहीं बनाएंगे, मैं नाम वाले में चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, इधर एक फंक्शन बना देंगे गेट वैल्यू के नाम से. जैसे कि मैंने एक फंक्शन बना दिया गेट वैल्यू. सही है, ये दोनों तरीके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जो है आपको यूट्यूब पे अगर दिखे तो कंफ्यूज ना हो. अब वो क्या करेंगे, वो पहले तो ऑन चेंज था, वो तो अपने अंदर कॉल बैक फंक्शन लिया करता था, अभी भी वही काम हो रहा है. फंक्शन इधर बना दिया, इधर कॉल कर दिया, बना इधर दिया, गेट वैल्यू वही काम करा, सेट नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू. फंक्शन इधर बना दिया, कॉल उधर कर दिया, वही ई ले लिया, वही ई डॉट टारगेट डॉट सेट नेम करके भिजवा दिया. काम के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी, काम वही रहेगा, बस तरीका चेंज हुआ है. अली दिया, अली एट द रेट दे दिया, पासवर्ड दे दिया, काम चेंज नहीं होगा. बस अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपकी कमांड है तो आपको समझ में आ जाएगा, ये जाहिर सी बात है फंक्शन बनाया हुआ, इधर कॉल किया हुआ है, इससे वैल्यू उठा रहा है वो. बस ये थोड़ा घुमा के तरीका है, यहाँ पर ये पूरा डायरेक्टली हो रहा था इस तरह से. अब जो आपको सही लग रहा है आप इसको यूज़ करो, इतना फ़र्क है बस. अब जो वो मैं आला तरीका बता रहा था उससे तो और ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. अब उसमें भी लोग अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर रहे होते हैं. वो मेन चीज़ ये है कि जावास्क्रिप्ट की कमांड होनी चाहिए बस, कि वो ऑब्जेक्ट, हमें पता होगा कि वो ऑब्जेक्ट लिटरल लगा रहा है, वरना ऊपर से जाएगा पता नहीं क्या लगा रहा है. अब ऑब्जेक्ट लिटरल में होता क्या है बेसिकली, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ऑनलाइन जेएस कंपाइलर पर. आप लोगों ने शायद के पता नहीं पढ़ा ही नहीं पढ़ा ऑनलाइन जेएस कंपाइलर. इसमें होता ऐसा है, मेरे पास एक वेरिएबल है लेट यूज़र नेम करके, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है माय नेम. ठीक है, सिंपल एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है माय नेम करके. ठीक है, इधर मैंने बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट एसटीडी करके, स्टूडेंट डिटेल करके. ठीक है, इधर मैंने लिखा नेम, नेम के अंदर मैंने लिख दिया यूज़र नेम. ये यूज़र नेम कहाँ से आ रहा है इस वक्त, जो ऊपर दिया हुआ वो उसकी नेम की वैल्यू असाइन कर देगा माय नेम.
अगर तो मैं इसको अभी कंसोल कराऊं किसको एसटीडी डॉट नेम को, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? माय नेम प्रिंट होना चाहिए। हो गया प्रिंट। ऑब्जेक्ट लिटरल में पता ही क्या है, अगर आप चाह रहे हो कि ये जो नाम है यही मेरे इसका नाम बन जाए, यही मेरे इस की का नाम बन जाए, लेकिन जो इसकी वैल्यू है ना, वैल्यू ये नहीं होगी, वैल्यू तो मैं खुद दूंगा। जैसे कि मैंने दे दिया इम्तियाज़ दे दिया, लेकिन ये जो वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो इसका नाम बन जाए, की बन जाए। तो अभी यहाँ पर फिर हमें ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज़ करना पड़ता है। अभी तो सिंपल, अभी तो ऑब्जेक्ट ही है। हाँ अभी तो ऑब्जेक्ट ही है। हाँ तो इधर हमारे पास लगते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं अभी लिख दूँ यूज़र नेम, और मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये काम नहीं करेगा, एक एरर दे शायद के, क्योंकि मैं अभी एक एसटीडी को कंसोल कराता हूँ, देखते हैं चलना चाहिए। चल गया। अब की क्या बन गई है, की क्या बन गई है? माय नेम। ये देख रहे हो जो इसकी की थी, जो इसका नाम था वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो की बन गई है अब, और कंसोल करा के उसने दिखा दिया इम्तियाज़। और अगर आप यूज़र नेम भी लिख दो तो भी आई थिंक मेरे ख्याल में एरर नहीं आना चाहिए, और शायद आएगा भी नहीं। माय नेम की हो गई, माय नेम उसकी वैल्यू हो गई। अब अगर आपको ये चीज़ मालूम है, ये भी जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट में आई थी ऑब्जेक्ट लिटरल, ये ऑब्जेक्ट लिटरल है, ये डायनेमिक की आ रही है, वहाँ पर उसका यूज़ हो रहा होगा ये इस तरीके का। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा रियल में ना। अच्छा अभी जो है, अगर आपको ये बात मालूम है कि आपकी जो की है ना उसका नाम भी जो है ना नाम है, मतलब जो आपकी की है उसका नाम भी यूज़र नेम है और उसकी वैल्यू भी यूज़र नेम है, मतलब उसका नाम भी जो है माय नेम है, उसकी वैल्यू भी यही है, दोनों चीज़ें आपको पता सेम है। अब देखना क्या होगा, अभी यूज़र नेम नाम की बनेगी और यूज़र नेम नाम की, यूज़र नेम के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, देखना। अभी देखो देखो, अभी मैं इसको कंसोल कराऊंगा ना। यूज़र नेम नाम की खुद ही ने की बना दी, और यूज़र नेम की जो वैल्यू थी ना वो डाल दी उसने। हाँ जो मतलब मुझे इतनी लंबाई करनी पड़ रही थी, आसान वर्डों में जो ये करना पड़ रहा था, मैं यूज़र नेम लिख रहा था, वो बोल रहा है कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो भाई, जब सब कुछ काम तो अभी वही हो रहा है ना। देखो बोल रहा है इससे बेहतर है आप भी परेशानी से बचो और हमें भी परेशानी से बचाओ, काम अभी भी वही हो रहा है। अब की भी यूज़र नेम की बन गई है, वैल्यू भी जो यूज़र नेम की जो वैल्यू थी वो बन गई है। ये कहाँ पे यूज़ होगा? बैकएंड में, बैकएंड में नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस में डेली यूज़ होगा। डेली मतलब दिखा भी देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई गलती से कोई एक आध दफ़ा कोई टकरा गया, नहीं डेली यूज़ होगा। इधर आते हैं मीडियम, मीडियम येरा मीडियम बैकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोलर पे गए, ये यूज़र से देखो, यूज़र से हम यूज़र से फर्स्ट नेम ले रहे हैं, लास्ट नेम ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं, ठीक है। आकर देखो एक ऑब्जेक्ट बनाया, अब डेटाबेस पे मैं की डेटाबेस पे डेटा जो है सेव करवा रहा हूँ ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर, मैंने बोला की का नाम भी क्या होगा, यूज़र नेम उसकी वैल्यू भी क्या होगी जो ऊपर से यूज़र देगा, फर्स्ट नेम जो दे देगा, अब उस नाम की जाके डेटाबेस पे की बनेगी उसकी वैल्यू भी असाइन कर देगा। इसी तरह से लास्ट नेम उठाएगा, ये उसकी की बनाएगा, जो यूज़र वैल्यू देगा वो उसकी वैल्यू जाके चिपका देगा। इस तरह से ईमेल पासवर्ड सब पर यही होगा, और जब ये डेटाबेस पर जाएगा ना तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो ये चीज़ें आपको मतलब पता होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक चीज़ें हैं जो मतलब काम को शॉर्ट कर रही है, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, बस काम को शॉर्ट कर रही है ये, देख रहे हो काम वही हो रहा है। अब अगर आप चाह रहे हो कि जो यूज़र पासवर्ड दे रहा है वो नहीं आए, कोई दूसरा आए मेरी मर्ज़ी का, अलग से असाइन कर दिया हमने,
पासवर्ड बनाया उसकी नई वैल्यू असाइन कर दी हमने, बोला ऊपर वाली नहीं आए जो मेरे अब जो दे रहा हूँ वो आए, सब काम करेगा, मतलब मसला नहीं है इसमें कोई। अब देखो डेटाबेस पे जब ये जाएगा तो ये सेव उसी तरह ही कराएगा जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है। इधर आया मीडियम पर, ईमेल जो यूज़र ने ईमेल दिया, पासवर्ड जो यूज़र ने दिया था, लास्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, वही चीज़ आ रही है, बात समझ आ रही है। तो ये कोई मतलब इतना ज़्यादा कोई अलग से काम नहीं हो रहा, यह आपको पता होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट लिटरल है, ये हमारे पास ES6 2015 के अंदर आया था, हैं पढ़ाया था मैंने, ये पढ़ाया था। और फ्रंट एंड में ये यूज़ हो रहा होगा, और कब यूज़ होगा, जब ये प्रॉब्लम आएगी जैसे अभी आ रही है, जो इतनी सारी स्टेट हम बना रहे हैं, फिर हम स्टेट नहीं बनाएंगे इतनी सारी, फिर हम ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज़ करके सिंपल काम कर लेंगे, हैं। हेलो, एक ये तरीका भी है, ये वाला यूज़ होगा, ये तरीका यूज़ हो रहा होगा, ये तो अभी लंबाई लग रही है ना अभी, जब ये वाला तरीका, ये इसकी बात नहीं कर रहा, इसको तो छोड़ दो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगकर काम हो रहा है ना, ये डायनेमिक काम हो रहा है ये। ये अभी जब हम रिएक्ट के अंदर अगर फॉर्म के साथ जब काम करेंगे ना, तो उस वक्त तो पहली बात आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कि हो क्या रहा है, वो थोड़ा मुश्किल से पड़ेगा, लेकिन ये कि अगर गलती से पड़ भी जाए तो आ जाएगा। और अगर इसे पंगा लेना चाह रहे हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी बता दूंगा। अब वो समझ में आया नहीं आया, वो तो आपकी जावास्क्रिप्ट के ऊपर है कितनी आती है आपको, बात समझ आ गई। ये टोटल फॉर्म हैंडलिंग के डेटा हम किस तरह से निकाल लें, हमने जो है अभी तक कौन कौन से इवेंट देख लिए, ऑन क्लिक देख लिया, ऑन सबमिट देख लिया, ऑन चेंज देखा, सही है। ये काम तो बिल्कुल बेसिक हो गया। अब हम ये देखते हैं, अच्छा इसको खाली कराना है, खाली तो ये अभी नहीं करेगा, मसला करेगा, नहीं इसमें ये नहीं होता, ये अभी मेरे लिए खाली नहीं करेगा, मसला कर देगा, अभी खाली नहीं होगा। जब हम बैकएंड के साथ कभी काम करेंगे ना, तो उस वक्त दिखाऊंगा कि खाली किस तरह से होगा, मतलब जैसे डेटा एंटर किया, जब भी खाली नहीं हो रहा, वो उस वक्त खाली हो जाएगा वो, सही है, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, किसमें, नहीं नहीं भाई डिलीट ऐसी हो जाएगा, खाली के अंदर तो यहाँ पर आओ, नेम लगा दो, सेट नेम लगाओ, आपसे इसे खाली कर दो, ये लो ईमेल पासवर्ड, पहले वैल्यू देगा बाद में खाली करेगा, लेकिन अभी ये इस तरह से नहीं करेगा। ये जैसे अली दिया, अली एंटर करा, अभी खाली नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को पता है ना वजह है, वो क्यों खाली नहीं कर रहा, वो खाली होगा तो इसी तरह से, लेकिन वो दूसरा तरीका होगा थोड़ा सा, हैं इससे देखो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सबमिट कराने के ऊपर मैंने जब कंसोल करा रहा हूँ मैं, तो उसका काम है वैल्यू निकाल के देना, लेकिन वो इसको सेट नेम के अंदर वापसी से अपडेट नहीं कर रहा वैल्यू को वो। यहाँ पर फिर हमें थोड़ी सी लंबाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर मुझे वैल्यू लगानी पड़ेगी, वैल्यू आती है, अब वैल्यू के अंदर वैल्यू क्या आएगी, नेम, फिर मुझे ये करना पड़ेगा, फिर थोड़ी सी और दो चार चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा मसला होगा। जब हम रियल के अंदर बैकएंड के साथ काम करेंगे ना, इससे डेटा उठाकर हम इसको यूज़ करेंगे, तो उस वक्त जो है आप देख रहे हैं कैसे काम करेगा ये पूरा। अभी ये वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ बच्चों का, अभी एक जो है दूसरे बैच में मीडियम का एंड चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ, ये हमने बनाया, हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है बैकएंड का, फुल स्टैक है ये, एंड होने वाला अब तो ये, इससे पहले एक और भी बनवाया था मैंने, ये मीडियम का खिलौना आर्टिकल की वेबसाइट बनाई है हमने। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर आके सर्चिंग करेगा, आर्टिकल को अपना राइट करेगा, यहाँ पर आके इमेज अपलोड करेगा, आर्टिकल की पिक्चर देगा, आर्टिकल पर टाइप करेगा, पब्लिश करेगा, इमेज वगैरह सिलेक्ट कर लेगा, जो भी कुछ इमेज होगी सारा वो, नोटिफिकेशन वगैरह, इधर आकर वो अपने अकाउंट को बनाएगा, ऐसे अकाउंट के अंदर राइट करने का एडमिन लॉगआउट को ऑप्शन देगा, स्टार्ट करेंगे तो आप पहले देखिएगा साइनअप है नहीं है, अगर साइनअप है तो लॉगिन पर आएगा, ईमेल देंगे, ये साइनअप भी लॉगिन होगा, अभी तो ये काम हो गया। जैसे कि अगर मैं इसको लॉगिन करूं, साइनअप करते हैं क्योंकि पासवर्ड तो मुझे मालूम भी नहीं है, जैसे कि फर्स्ट नेम क्या है, मोहम्मद अली दे रहा हूँ, ठीक है मैंने दे दिया अली एट द रेट जी मेल
डॉट कॉम। अच्छा इसका बैकएंड ऑन करना पड़ेगा, बैकएंड बंद है इसका ना। अरे MongoDB कनेक्ट बोल दे, हो गया। अरे पासवर्ड दिया मैंने अली, अली रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आ गया लॉगिन के ऊपर। मैंने दिया अली अली। अच्छा अभी क्या बोल रहा है, एट दी रेट लगाओ, अली एट दी रेट जीमेल डॉट कॉम। अब मैंने जैसे पासवर्ड गलत दे दिया, 123 दे दिया, इनवैलिड क्रेडेंशियल। या हो सकता है कि मैंने पासवर्ड सही दे दिया हो तो तब भी वो मतलब बोलेगा, वो मतलब सारी उसको पहचान है वो। जैसे कि मैंने अभी दे दिया इसको अली, जा रहा है वो सही है। तो अब ये लॉगिन हो गया, अभी लॉगिन होने के बाद जो है ना इस पेज पर आएगा वो, ये एडमिन पैनल है, एडमिन आके इसको एडिट डिलीट करेगा, सारा काम करेगा। जैसे वो करेगा ना तो इधर ये आर्टिकल के पेज पे लेकर आ जाएगा वो। यहाँ पर एडिट डिलीट का बटन नहीं है तो इसको मतलब यूज़र आके पढ़ सकता है। जैसे वो इस पर क्लिक करेगा इसकी पूरी डिटेल पिक्चर वगैरह जो अपलोड करेगा सब इधर आएगी वो। तो सिंपल ये इस तरह से काम करेगा। ये भी देखेगा फॉर यू फॉलोविंग पाइथन वगैरह सारी जो है फॉर यू पे चल रहे होंगे वो आएंगे। ये फुल स्टैक पे बनाया है तो अभी तक इस पर थोड़ा सा काम रह गया। जब हम उसको ये देखेंगे कि फॉर्म से डेटा किस तरह से उठाएगा और ये काम करेगा, ये बात समझ आ रही है, हैं? हाँ बैकएंड के अंदर अभी भी ये बस ज़्यादा डिटेल नहीं है, बस काम तो हो रहा है, डेटा आ गया ना, बस डेटा आने के बाद करना है। डेटा कैसा आएगा, हाँ बस ये हमें भाई ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बस यही है ना, क्योंकि अब डेटा ही तो उठाना, हमें और क्या करना है, डेटा उठ गया काम हो गया बस। बाकी फॉर्म वॉर्म तो खाली कराने की अगर नहीं भी, पहली बात हम करा देंगे और अगर नहीं भी कराएं तो भी कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि जैसे हम सबमिट करते हैं फॉर्म तो वैसे फॉर्म हट ही जाता है, वो स्क्रीन से ही हट जाता है, तो नहीं भी कराएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी तो ये तो हो गया काम, अब बारी है प्रॉप्स की। अच्छा इतना काफ़ी है, अभी प्रॉप्स पढ़ें बहुत है, नहीं उसको समझना थोड़ा सा है, बाकी काम तो इजी है। मैं प्रॉप्स के अंदर भी जो है ना 5-6 चीज़ें सिखा दूंगा, मतलब प्रॉप्स के अंदर डेटा किस तरह से गेट करेंगे, अलग अलग तरीके होंगे उसमें भी। हाँ हाँ जैसे अभी हमने स्टेट के अंदर देखा था ना, रिएक्ट को इंपोर्ट करा रहे थे कितने तरीके थे, फ्रेगमेंट में देखो एक ही काम करने के कितने तरीके थे, ऐसे प्रॉप्स में भी हैं तो सेम काम करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। अभी काम सेम ही करेगा वो।